हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यामा के एमटी 15 के बारे में विद सम न्यू फ्रेंड्स। और ये सिर्फ 1.4 लैक्स की है। बस फिर तो बिल्ड क्वालिटी घटिया होगी, फीचर्स भी कुछ खास नहीं होंगे। एबीएस तो बहुत दूर की बात है। नो, इट हैज स्टैंडर्ड फ्रंट एबीएस एंड इट हैज बेटर एमआई डिजाइन इन ड्राइवर्स एंड इट हैज बाई फंक्शनल एलईडी लैंप्स आल्सो। सीसी कितने हैं? 150 तो इसमें भी है। हेलो गाइस, क्या बात चल रही है? अरे एक मिनट, 150 cc है ना, तो पावर भी कुछ खास नहीं होगी। Wait, as its name, MT, Master of Torque. It has 14.7 Nm torque and 19.3 PS power. It has VVA technology also, and it goes active after 7000 rpm to 11000 rpm. और सिटी कंडीशंस में भी बेस्ट इन क्लास माइलेज देती है। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद MT। इट हैज सेम इंजन एज R15 एंड इट्स लुक स्पॉटियर देन डार्क साइड ऑफ जापान। इट्स बेटर फॉर हाईवेज। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यामाहा मेक MT। इट्स स्ट्रीट रेसर और इसका वेट भी सिर्फ 138 kg है और इसकी सीटिंग कंडीशन भी बहुत कंफर्टेबल है, व्हिच लीड्स टू बेटर कंफर्ट इन सिटी कंडीशंस आल्सो। इट हैज बेस्ट ब्रेकिंग सिस्टम इन दिस सेगमेंट और हाईवेज पे तो 138 kmph के स्पीड से भागती है विदाउट एनी वाइब्रेशन। इस टाइप की बाइक में तो पिलियन कंफर्ट बहुत ही कम होता है, पर इन दिस केस MT इज डिफरेंट और स्लीपर क्लच के कारण हमें स्मूदर ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी मिलता है। नाउ आई एम इम्प्रेस्ड, आई थिंक आई वॉन्ट टू बाई दिस। वेयर शुड आई गो? यू कैन गो टू पावर बाइक्स यामाहा इन अडाजन। तो मेरे घर के पास ही है, मैं भी चलता हूँ। We hope guys you have liked our video and you get better about MT 15. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब। Dude, I am not interested with MT. તારે જોવાનું તને દેખાય પણ તારે એને જ કહેવાનું પાછું પહેલેથી બોલું હા બોલી દે ને।